हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, कथन और निष्कर्ष। तो जैसा कि ये टॉपिक आपको सजेस्ट कर रहा है, एक स्टेटमेंट आपको दी जाएगी और उस पर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ की जाएंगी। अब कंक्लूजन्स डेफिनेट होती है बाय नेचर, कॉन्क्रीट होती है और लॉजिकल होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, आइए एक नज़र डालते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। सबसे पहले तो डायरेक्शंस पढ़ते हैं। अ स्टेटमेंट इज गिवन एंड देन टू कंक्लूजन्स, 1 and 2 आर गिवन। यू हैव टू कंसिडर द स्टेटमेंट एज ट्रू इवन दो इट मे सीम टू बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फैक्ट्स। देखिए, एक स्टेटमेंट दी गई है और उसके नीचे 2 कंक्लूजन्स है, 1 and 2। आपको स्टेटमेंट में दिए गए इंफॉर्मेशन को ट्रू ही मानना है, चाहे आपके हिसाब से वो गलत हो या फिर एक्चुअल नॉलेज से वो मेल ना खाता हो। देन गिव योर आंसर रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट, दैट विच ऑफ द कंक्लूजन इज और आर फॉलोड बाय इट प्रॉपरली। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, द पीपल विद रिलीजियस थॉट्स एंड हु आर अफ्रेड ऑफ गॉड विल नॉट बिट्रे। तो वो लोग जो धार्मिक सोच रखते हैं और भगवान से डरते हैं, वो लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते। ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है और हम ये बात मानकर ही चलेंगे। और इसके हिसाब से सिर्फ हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपने नंबर लेने हैं, मार्क्स लेने हैं। इसमें हम बहस में नहीं पड़ेंगे। आपने इसमें अपना व्यू पॉइंट जो है वो मिक्स नहीं करना है। बिट्रेइंग पीपल आर एथीस्ट्स। तो जो लोग बिट्रे करते हैं वो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान में आस्था नहीं रखते, भगवान को नहीं मानते। तो ये बात इस कथन के अनुसार बिल्कुल सही होती है, क्योंकि जो रिलीजियस लोग होते हैं या गॉड फेयरिंग लोग होते हैं वो बिट्रे नहीं करते, धोखा नहीं देते। तो जो लोग धोखा देते हैं वो आप देख सकते हैं कि वो रिलीजियस या गॉड फेयरिंग नहीं होते इस स्टेटमेंट के अनुसार। सो 1 इज करेक्ट। द रिलीजन डेवलप्स द वर्च्यूज। धर्म या रिलीजन लोगों में संस्कार डालता है, वैल्यूज डालता है, अच्छी बातें सिखाता है। ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही ठहराई जा सकती है, क्योंकि ऐसे लोग किसी को धोखा नहीं देते, मतलब ये अच्छी वर्च्यू है, अच्छी वैल्यू है, अच्छे संस्कार है। तो बोथ 1 and 2 फॉलो। चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ऑल इंडियंस शुड लर्न मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब ये तो कहीं पर भी नहीं दिया गया इस स्टेटमेंट में कि ऑल इंडियंस, सभी इंडियंस को ये लैंग्वेजेस लर्न करनी चाहिए। तो ये 1 जो है ये स्टेटमेंट से निकल कर नहीं आ रहा है। सेकंड, हिंदी शुड बी लर्न्ड टू बी एन इंडियन। देखिए, ऐसा भी कहीं पर ज़बरदस्ती ऐसी कहीं पर नहीं की गई है कि इट इज़ मस्ट, हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको इंडियन होना है तो आपको हिंदी आनी चाहिए, ऐसा इस स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। किसी का अपना व्यू हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट में तो नहीं कहा गया। तो नाइदर 1 nor 2 फॉलोज, दैट इज चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस जो हैं ये हर एक वनडे एग्जाम में आते हैं, चाहे वो SSC CGL, CHSL या और कोई वनडे एग्जाम हो, या फिर बैंकिंग का भी कोई एग्जाम हो। बैंकिंग में भी 3 से 5 क्वेश्चंस कंक्लूजन्स पे आधारित होते हैं। क्या आगे देखते हैं? ऑल द फिलोसोफर्स आर मेल्स। सोक्रेटिस वाज अ फिलोसोफर, ये तो सिलोजिज्म आ गया। देखिए, ऑल द फिलोसोफर्स, ऑल ARB, तो टिक क्रॉस। सोक्रेटिस वाज अ फिलोसोफर, टिक क्रॉस। मिडिल टर्म आप देख रहे हैं 2 क्रॉस मार्क नहीं मिले हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सोक्रेटिस वॉज अ मेल, ये बिल्कुल सही है। फीमेल्स कैन नॉट बी फिलोसोफर, ये ज़रूरी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि ऑल द फिलोसोफर्स आर मेल्स, लेकिन हो सकता है किसी फीमेल ने ट्राई ही नहीं किया हो। फीमेल्स के बारे में तो बात ही नहीं की जा रही है यहाँ पर। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट, इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास इन द एग्जामिनेशन। अब ये इफ पी देन क्यू वाला लॉजिकल कनेक्टिव वाला क्वेश्चन है, आपको याद होगा। इसमें दो कंक्लूजन्स या इम्प्लीकेशंस होती हैं, पहली पी इम्प्लाइज क्यू और सेकंड नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। पी है यहाँ पर ही इज इंटेलिजेंट और क्यू ही विल पास द एग्जामिनेशन। इट इज रिक्वायर्ड टू बी इंटेलिजेंट टू पास इन द एग्जामिनेशन। तो इंटेलिजेंट होना एक रिक्वायरमेंट है। सो पी हैपेंस, इट मीन्स Q will follow। तो P हो रहा है यहाँ पर, एक पर्सन इंटेलिजेंट है, ये रिक्वायरमेंट है उसकी पास होने में। तो वन इज करेक्ट, ही विल पास द एग्जामिनेशन। ये तो पता नहीं है क्योंकि अभी ये कंडीशन ले डाउन की गई है कि अगर तो वो इंटेलिजेंट है, इफ ही इज इंटेलिजेंट। तो एक डाउट रेज किया गया है इस स्टेटमेंट में, तो पक्का नहीं कह सकते कि ही विल पास द एग्जामिनेशन। सो ओनली वन फॉलोज। Choice A is the correct answer. Statement, using cosmetics is dangerous. जी बिल्कुल सही, cosmetics are harmful. इस statement से dangerous से तो harmful निकल कर आ ही रहा है, तो one is correct. Cosmetics are not costly. क्या cost के बारे में कोई बात हो रही है यहाँ पर इस statement में? बिल्कुल भी नहीं। तो only one follows. Choice A is correct. Next question. A person achieves the economical growth through honesty and hard work. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। Honesty and economical development are directly related. जी, economical growth को यहाँ पर honesty के साथ में relate किया गया है। This is a conclusion. Hard work and honesty are always profitable. ये भी बिल्कुल सही है। So both 1 and 2 follow. Choice C is the correct answer. Only good people die at the young age. तो इस पर एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाते हैं। Those who die at young age, और ये आ गया good people। तो वो सभी लोग जो छोटी उम्र में मर जाते हैं वो अच्छे इंसान होते हैं। No good person stays alive till old age. अब ये नहीं कहा गया कि कोई भी अच्छा इंसान ओल्ड एज तक नहीं रह सकता। देखिए, ये है वो इंसान जो ओल्ड एज में मरे हैं, और ये अंदर वाले जो हैं ये दे डाई एट यंग एज। तो पहला बिल्कुल इनकरेक्ट है। ईच ऑफ दोज हु आर अलाइव टिल ओल्ड एज आर बैड, ऐसा जरूरी नहीं है। दोज हु आर अलाइव टिल ओल्ड एज, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो गुड पीपल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, इस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ यही वेन डायग्राम बन के आता है जिसमें ये मालूम पड़ता है कि दोज हु डाई एट यंग एज, जो छोटी उम्र में मर जाते हैं, वो गुड पीपल होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रही है। तो सेकेंड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Light comes from sun, wings are the lights. Wings come from the sun. ये तो कहीं नहीं दिया गया। अब यहाँ पर आप चाहे तो सिलोजिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट को टिक, सन को क्रॉस, विंग्स को टिक, लाइट्स को क्रॉस। मिडिल टर्म को दो क्रॉस मार्क नहीं मिल रहे हैं, तो विंग्स कम फ्रॉम सन ये कहा जा सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में। जबकि सन इज अ लाइट ये पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑल वाली स्टेटमेंट में आप जानते हैं कि कभी भी हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो सेकंड रॉन्ग हो गया। ओनली वन फॉलोज। चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल द वेल ग्रेस्ड पीपल आर हैप्पी। एनी अनहैप्पी पर्सन इज नॉट द वेल ग्रेस्ड। हैप्पीनेस एंड वेल ग्रेशियसनेस आर कोरिलेटेड, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो वन बिल्कुल सही है। अनहैप्पी पर्सन इज नॉट वेल ग्रेस्ड, ये यहाँ पर दिया ही गया है। एनी अनहैप्पी पर्सन इज नॉट द वेल ग्रेस्ड, ये भी सही है। तो बोथ वन एंड टू फॉलो, choice D is the correct answer. Next question. One of the reasons for the failure in examinations is irregularity. ये बात बिल्कुल सही है। Some regular students fail in the examinations. भाई ऐसा भी होता है, यह बात भी सही है। Conclusions. Students getting failure are regular. जी नहीं, यहां पर तो कहा ही जा रहा है one of the reasons is irregularity. और सम रेगुलर स्टूडेंट्स दे हैव फेल्ड, तो सारे के सारे तो फेल नहीं होते ना, ऐसा तो लिखा नहीं गया, तो वन इज इनकरेक्ट। देखिए वन ऑफ द रीजंस बताया गया है इरेगुलरिटी, ये ओनली रीजन नहीं है, कोई और रीजन भी हो सकता है। और सक्सेसफुल होने का यहाँ पर कोई भी रीजन मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ फेलियर के बारे में बात की गई है, सक्सेसफुल के बारे में बात नहीं की गई है। सक्सेसफुल जो स्टूडेंट होता है वो रेगुलर होता है या नहीं होता है, इसके बारे में बात की ही नहीं गई है। तो 2 is also incorrect, neither 1 nor 2 follows. Choice C is the correct answer. जो भी statement में context दिया है केवल और केवल उसे ही ध्यान में रखकर आप conclude करें। Sachin is a good cricketer. Sachin's sister sings well. तो ये तो हम सभी जानते हैं, Sachin is a good cricketer. Sachin and his sister are good cricketers. ये तो सब उल्टा उल्टा हो गया, वो तो sister तो बहुत अच्छी singer है। Sachin and his sister are talented. ये कहा जा सकता है क्योंकि शी सिंग्स वेल, ही इज अ गुड क्रिकेटर, सो दे आर टैलेंटेड। तो ओनली टू फॉलोज, चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। मदर क्राफ्ट्स इज एन आर्ट, यंग पेरेंट्स नीड द ट्रेनिंग फॉर मेथड्स ऑफ मदर क्राफ्ट। कंक्लूजन, नाउअडेज द यंग पेरेंट्स डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट मदर क्राफ्ट। सी डू नॉट हैव एनी नॉलेज, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। हो सकता है उन्हें नॉलेज हो, लेकिन और बेहतर बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। तो वन इज इनकरेक्ट, यंग कपल्स विल बी बेटर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। ये बिल्कुल सही बात है कि यंग कपल्स विल बी बेटर पेरेंट्स, क्योंकि यंग पेरेंट्स, यंग कपल्स, ट्रेनिंग मेथड्स, मदर क्राफ्ट इज एन आर्ट, सो डेफिनेटली बेटर पेरेंट्स बनने में सहायक होगा। सो 2 इज करेक्ट, ओनली 2 फॉलोज, choice B is the correct answer. Unemployment is one of the major reason for poverty in a country. बेरोजगारी एक मुख्य कारण है किसी भी देश के गरीब होने का। Conclusion, it is necessary to provide employment opportunities to end poverty. बिल्कुल सही, ये जो statement दी गई है इससे directly हम conclude कर सकते हैं, इससे ये मतलब लगाया जा सकता है, घुमा फिरा के वही बात बोली जा रही है। ऑल द पीपल इन द कंट्री आर अनएम्प्लॉयड, ये कहा गया है कि सारे के सारे व्यक्ति जो हैं वो बेरोजगार हैं, ऐसा इसमें नहीं कहा गया, तो सेकंड नहीं अप्लाई होगा। ओनली कंक्लूजन 1 इज लॉजिकल, चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। द पीपल इन वेटिंग लिस्ट फाइनली गॉट द रिजर्वेशन इन राजधानी एक्सप्रेस। तो वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों का नाम था, फाइनली उनको राजधानी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन मिल गई। द पैसेंजर्स इन वेटिंग लिस्ट जनरली गेट द रिजर्वेशन इन राजधानी एक्सप्रेस वेरी रेयरली, जनरली मुश्किल होता है, तो फाइनली शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये वाला वाक्य आपको ये नहीं बता रहा कि जनरली ये टफ होता है या नहीं होता है, तो टफनेस या रेयरिटी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा, तो 1 इज इनकरेक्ट। द नंबर ऑफ बर्थ्स अवेलेबल इन राजधानी एक्सप्रेस आर लेस दैन द एक्सपेक्टेड। देखिए कहना तो बिल्कुल गलत होगा, उनकी नंबर ऑफ बर्थ्स अवेलेबल इन राजधानी एक्सप्रेस आर लेस दैन द एक्सपेक्टेड, तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों को रिजर्वेशन कैसे मिल गई? लेकिन उनका नाम वेटिंग लिस्ट में गया ही इसलिए, उनकी नंबर ऑफ बर्थ्स कम थी इसीलिए वेटिंग लिस्ट बनी। तो इस वजह से, क्योंकि वेटिंग लिस्ट को पूरा का पूरा मिल रहा है मगर वेटिंग लिस्ट बन रही है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस में नंबर ऑफ बर्थ्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी एक्सपेक्टेशन से कम है। तो कंक्लूजन 2 इज लॉजिकल, चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड ऑन बेल हु वर इन प्रिजन्स फॉर अदर रीजंस दैन अ पॉलिटिकल इशू। तो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें बेल पे छोड़ दिया गया जिन्हें पॉलिटिकल इशू को छोड़कर किसी और इशू की वजह से जेल हुई थी। द बेल ऑफ दोज पीपल वर नॉट एक्सेप्टेड हु वर इन्वॉल्व इन मर्डर, लेकिन वो लोग जो मर्डर में इन्वॉल्व थे उनको बेल की मंजूरी नहीं मिली। पहला कंक्लूजन, नो पॉलिटिकल प्रिजनर वॉज अ मर्डरर। जी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि वो वाले पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया है बेल पर जो कि प्रिजन में पॉलिटिकल इशू के अलावा कोई और इशू की वजह से थे, लेकिन जो मर्डर में इन्वॉल्व थे उनकी बेल एक्सेप्ट नहीं हुई। तो नो पॉलिटिकल प्रिजनर वॉज अ मर्डरर, ये कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। सम पॉलिटिशियंस वर नॉट अरेस्टेड, अरेस्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां पर हम सिर्फ प्रिजनर्स की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं। कुछ और पॉलिटिशियंस अरेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो नन ऑफ द कंक्लूजन 1 और 2 इज लॉजिकल। चॉइस डी follows as the answer। तो आज की क्लास रिवाइज करें और इस पे और क्वेश्चंस बनाएं, प्रैक्टिस करें। ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे करीब करीब 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और खासकर बैंकिंग के एग्जाम में और इवन एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में 1-1, 2-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। Wish you all the best. Thank you so much.